हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं चंद्रशेखर पटेल और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, ये 3 टन फोर क्लिप का S4 इंजन है सैमसंग का। और आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए और ये देखिए वीडियो पूरा लास्ट तक किस प्रकार से इंजन बनता है। का टाइमिंग प्लेट है, इस साइड गियर आता है टाइमिंग का, और ये इसका ऑयल पंप है, ये भी टाइमिंग प्लेट टाइट हो रहा है, देख लीजिए किस प्रकार से। ये 3 टन फोर क्लिप का है, आगे जाते हैं। ये सब सामान रखा हुआ है, बाकी उस पॉलिटी का खुला हुआ है, देख लीजिए किस तरह से खुला हुआ till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways.
through the sun rays and हेलो दोस्तों, देख सकते हैं सब कुछ इधर रेडी हो गया है। बस अब जा रहे हैं चैम्बर लगने के लिए। ये चैम्बर रहा, अब इस पर ये पैकिंग वैकिंग लग गई है, कॉलर भी लग गया है, पैकिंग भी लग गई है। चैम्बर लगाने जा रहा हूँ, शुरू करो। देखिए दोस्तों, चैम्बर लग गया है, अब इसको टाइट करना बाकी है। मैं टाइट कर रहा हूँ। बोलते आमने सामने का बराबर टाइट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर इसका कॉलर जो है पैकिंग एक टूट जाएगा, ये ख़राब हो जाएगी, फिर ये लीकेज हो जाएगा। फिर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये रहा कॉलर इसका चैम्बर का, इसको चारों साइड से थोड़ा थोड़ा सब टाइट करना चाहिए। इस प्रकार से टाइट कर रहा हूँ, आमने सामने इधर उधर का सब थोड़ा थोड़ा टाइट करना चाहिए। इससे क्या होता है, सब उस तरफ का बराबर चल सकता है, लीकेज नहीं होता है कॉलर। बाकी और आएगा प्रोसेस क्या है वो तो मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी ये इंजन खड़ा हो चुका है इस प्रकार से, और ये अभी ये टाइमिंग इसका सब सेट होगा किस प्रकार से, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए इसका, इस साइड से देख सकते हैं इसका लुक। और ये पिस्टन है, ये रहा इसका पिस्टन, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और इंजन बनाते टाइम एक बात का ख्याल रखना चाहिए, जब जैसे बॉस पंप लगा रहे हो तो बॉस पंप में देखिए ये सेटिंग दिया रहता है, ये इससे एडवांस और रिटायर कर सकते हैं ना, तो इसको बीचों बीच में यहाँ पे रखना चाहिए, जो कि ना एडवांस हो ना रिटायर, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अभी देखिए ऐसा बिल्कुल इस प्रकार से रहना चाहिए, ऊपर भी गैप बराबर रहे, नीचे भी गैप बराबर रहे, इस प्रकार से इंजन का वो रहना चाहिए। और ये फोर क्लिप का इंजन है, देख सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और बाकी का अभी इधर टाइमिंग लगाएंगे, ये टाइमिंग केस लग चुका हुआ है, ठीक है। अभी टाइमिंग लगाएंगे, टाइमिंग गियर सब सेट करेंगे। और ये फोर क्लिप का इंजन है, बना रहे हैं, देख लीजिए किस प्रकार से बन रहा है। और ये इसका टाइमिंग अभी सेट करने जा रहे हैं, देख लीजिए किस प्रकार से इसकी टाइमिंग सेट होती है। ये रहा फोर क्लिप का इंजन, बोलिए ये पकड़ना ज़रा, इसको पहले घुमा के टॉप पर कर दिया जाता है, घुमा के टॉप पर किया जाता है। इसका मार्कर लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, अब ये इसका है गियर का, छोटे वाला गियर का, ये इसको डालते हैं, इसका होल और इसका होल ये स्वयं होना चाहिए, ऑयल वाला है, ठीक है। चलो इसको ऐसे डाल देते हैं, फिर ये दूसरा है, दूसरा भी डाल देते हैं ऐसे, इस
इसका होल और इसका होल देखें मिला के डालें, ठीक है। ये वाला होल इधर आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको मिला के डाल देते हैं। अब इसको ठोकना पड़ेगा, बढ़िया से दिखाना पड़ेगा, तो दिखा देते हैं। छोटा बक्सा वाइसर ये देखिए मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। इसको डालना ना बुलाएँ और इसको लगाते जाए और मार के लगाएँ, ठीक है। ऐसा देख लीजिए और कुछ दे दें जन साथ डालते हुए और मार के दूसरे भी मार के चला जाए। ये अब आपको टाइमिंग मिला के दिखाते हैं इसका। ये बॉस पंप का है, ये टाइमिंग इधर रहना चाहिए। पहले छोटा वाला मिलाते हैं ना, पहले ये है। इसमें देखिए कितना तीन दाती दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और देखिए इसमें दो दाती दो मार्का दिया हुआ है, ये बड़ा वाला जो है ये टाइमिंग गियर बड़ा वाला गियर है। इसमें देखिए दो मार्का लगा हुआ है, ठीक है। ये तो पहले इस पर मिलेगा, ठीक है। बराबर ध्यान से मिलाइएगा, थोड़ा ऑयल डाल देता है इसमें। ठीक है, ये इसका टाइमिंग है, बढ़िया से मिलाना पड़ता है ना, तो फिर इसका ये रहा है ना आउट है, ये अभी नहीं आया, अभी ये ओपन हो गया, अभी हो गया ये, हाँ अभी देखिए इसके सेंटर में है, दोनों मार्का सेंटर में है ना। अब चलिए इसको मिलाते हैं। ये बॉस पंप का है टाइमिंग, ये है क्रेन साफ का, और ये क्रेन से आता है, सब यहाँ पे मिलके लगता है। देखिए एक दो तीन, तीन मार्का दिया हुआ है। पहले तो अपन इसको मिलाते हैं ना, थोड़ा ऑयल से ऑयल डाल देते हैं। डाल के पहले इसको मिलाते हैं, फिर इसको ये वाला ऊपर का मिल चुका है, और इसको भी अब बचा है बॉस पंप वाला गियर, ये थोड़ा सा बस देख लीजिए, ये सारा मार्का मिल चुका है, ठीक है। सब एक दूसरे के सीध में है, ये हो गया हमारा टाइमिंग, ठीक है। ऐसे टाइमिंग मिलाया जाता है, देख लीजिए किस प्रकार से है, ठीक है। ये रहा इसका मार्का, ये इसका मार्का है, और ये इसका मार्का, ये इसका, ठीक है। ये क्रेन से हो गया, और ये जॉइंट गियर लगता है, ठीक है। और ये अपना क्रेन साफ का हो गया, ये बॉस पंप का हो गया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए टाइमिंग मिलती है, ठीक है। इसको बैठाते टाइम बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, ना तो फिर गाड़ी चालू नहीं होगी। अगर ये टाइमिंग नहीं रहेगी सेम मिला हुआ, तो फिर गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है। और बाकी वीडियो में आप बने रहिए, मैं आगे तक दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। इंजन इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंदर जाके वीडियो और भी देख सकते हैं। और
ये क्रैंक है, ये गियर है इसका, ये बॉस पंप का गियर है, ये कैमशाफ्ट का गियर है और ये दो फ्री गियर है। देख सकते हैं किस प्रकार से टाइमिंग मिला हुआ है, किस प्रकार से टाइमिंग इसका रहता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इंजन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ये सब कुछ होकर कंप्लीट हो चुका है। अभी ये बोल्ट टाइट करना बाकी है टाइमिंग प्लेट का। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं कैसे टाइट करता हूँ। ये सब बराबर टाइट करना चाहिए। ठीक है, कभी थोड़ा से थोड़ा थोड़ा करके पहले टाइट करके उसके बाद फिर टाइट पूरा फुल टाइट मारना चाहिए। और किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं बिंदास। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाइए, इससे हर वीडियो आपको लेटेस्ट मिलती रहेगी। और भी इंजन के बारे में जानकारी चाहिए अंदर प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं, सब कुछ डाला हुआ है। ठीक है, और हर प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ मैं। देखिए ये फोर क्लिप का इंजन है, इस प्रकार से बन रहा है। ये सब टाइमिंग में लग गया है, सब कुछ ये लग के रेडी हो गया है। अभी फ्रूट लगाना है, ये फ्लाईव्हील भी लग गई है। ठीक है, ये फ्लाईव्हील देखिए इस प्रकार से लग गई है फ्लाईव्हील। अभी ये छोटा वाला फ्रूट लगाना है, तो देख लीजिए किस प्रकार से लगता है। ये बताता हूँ आपको फ्रूट कैसे लगता है। ये फ्लाईव्हील लग चुकी है। ठीक है, चलो करना होल दिया रहता है। ठीक है, ये वाला और ये वाला होल दोनों होल इसमें मैच करना है। ठीक है, ये बीच में रहेगा, बाकी उसके बाद सपोर्ट लगेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से देखो, और ये लॉक वाइज सब दिया जाता है। ठीक है, और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से लगता है। ये छोटा वाला फ्रूट है और ये देखिए ये बड़ा वाला फ्रूट है। ठीक है, इसको अभी लगाने के बाद अभी ये लगेगा और ये कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, ये कार्बन, इससे क्या फ्रूट लीकेज नहीं होगा। ठीक है,
ये सब टाइट हो चुका है, अब इसको लॉक करना है। ये जो पट्टी रहती है ना वाइसर, इसको लॉक करना है। तो देखिए हम इस प्रकार से दबा लेंगे पहले सभी को, इसको ड्राइवर के सहारे से इस प्रकार से दबा लेंगे आसानी से। उसके बाद बताता हूँ, ये देखिए इस साइड का दब गया, अब इस साइड का इसको ड्राइवर के सहारे से दबा लेंगे। चलिए अभी बड़ा वाला फ्रूट लगा लेते हैं। पहले चार बोल्ट टाइट कर लेना दोनों साइड में, उसके बाद धीरे धीरे से प्रेस करना है, सब चपक गए उसके बाद फिर टाइट करना है, सब बोल्ट लगा के बिल्कुल इस प्रकार से टाइट करना है। चारों बोल्ट पूरी तरह से प्रेस हो चुका है, अब सब बोल्ट लगा के बस टाइट करना है, ठीक है। बाकी का और आगे क्या है सब मैं आपको दिखाता हूँ। हेड लगाना है और बाकी और सब जो भी है आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, इससे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाकी का वीडियो चाहिए तो आप सोसाइड में जाके देख सकते हैं।
फोर क्लिक का इंजन बन रहा है, ठीक है। ये हेड डालना बस बाकी है और जा रहा है हेड इसका बनाने। देख लीजिए किस प्रकार से बन रहा है, ये इधर हेड है छोटू आजा, ये इसका हेड पड़ा है और बाकी का सामान है इसको बनाने जा रहे हैं। देख लीजिए किस प्रकार से, पीछे साइड का हिस्सा है और इस पे देखिए एक नंबर आएगा, इस पे देखिए मार्का लगा हुआ है एक नंबर का, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें एक नंबर पड़ेगा, ये है बड़ा वाल और ये छोटा वाल। अब ये दो नंबर का वाल है लगा के लगाना शुरू। ये तीन नंबर का है, ये इनलेट रहता है, एक आउटलेट रहता है, एक से हवा आएगा और छोटे वाले से धुआं जाएगा। पतला पतला ये वाइसर रहता है, ये डाल देना चाहिए सब में। तो वाइसर कम पड़ गया, ले जाना वाइसर, इधर ही होगा ना। हाँ पर ये स्टील आती है, इससे इससे ऑयल ऊपर नहीं आता है, अंदर नहीं जाता ऑयल इधर से। उसके बाद स्प्रिंग आएगा छोटा, उसके बाद बड़ा स्प्रिंग आएगा, सब लग गया। ब्लॉक बैठाना है, देख लीजिए किस प्रकार से बैठते हैं। पहले तो सब में ऐसे फिट कर लेंगे हम लोग, उसके बाद दबा दबा के लॉक करेंगे।
देखिए दोस्तों, अभी हेड का वॉल सील उसका बैठाने जा रहे हैं लॉक। हमारे जनपल घाटी से आए हैं मिस्त्री। हाँ दोस्तों, देखो इनकी कारीगरी मूल की कैसे देखते हैं। इस प्रकार से लोग बैठाते हैं, देख लीजिए बहुत ही आसान तरीका है। अब इसमें गाइड पड़ेगी, छोटू गाइड देना। देख लीजिए किस प्रकार से बैठा हुआ है वाल, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से बैठेगा। अभी इसमें गाइड लगेगी। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से बैठ रहा और गाइड दोनों सेट हो चुके हैं, बाकी का अब मैनिक्योरियन लगेगा, मैनिक्योर लगेगा, ठीक है। ये फोर क्लिप का सेट बन रहा है, तीन टन फोर क्लिप का, देख लीजिए किस प्रकार से बन रहा है। ये वॉल लग चुका है, गाइड भी लग गई है, और इसका मैंने क्लियन और मैंने फिर सब कुछ लगाना है, तो जिस प्रकार से लग रहा है मेरे ये पैकिंग लगाते हैं, ठीक है। ये इसका पैकिंग चलिए मैंने खूब है, ठीक है, इसको देख लीजिए किस प्रकार से लगाते हैं, लेकिन प्रकार से लगाते हैं और इसमें सब छोटा छोटा बोल जाएगा।
हेलो डाल दिया, नहीं होगा नहीं होगा, ये बोले छोड़ दो, ये कार्य नहीं करा फोर्कलिफ्ट का इंजन देख सकते हैं, इसका हेड डालना बाकी है, अभी गैस्केट डालेंगे उसके बाद हेड डालेंगे। फोटो पकड़ना, चलो बैठ चुका है, अब इसका बोल्ट लगेगा, बोल्ट लगा रहा हूँ मैं। You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we live. Oh, no, 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 no. वाला बोल्ट टाइट करें, उस
उसके बाद ये वाला, टैपेट सेटिंग किस प्रकार से होगी। इसका टैपेट सेटिंग है 1342, पहले एक नंबर, फिर तीन नंबर, फिर चार नंबर, फिर दो नंबर, इस प्रकार से इसका टैपेट सेटिंग होगा। देख सकते हैं ये इंजन हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट, देख लीजिए। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं हर प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ। और कोई भी आपको
किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो या किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाना हो तो वो बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। देख लीजिए इंजन बन के पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये फोर क्लिप का इंजन है, 3 टन फोर क्लिप का इंजन है। देख लीजिए किस प्रकार से सब तरफ से रेडी हो चुका है। इसका इंजन का काम हुआ था, फुल काम हुआ है इस इंजन का, देख लीजिए। और उस फोर क्लिप का खुला हुआ है इंजन, ये देख सकते हैं फोर क्लिप, इसमें अब इसका इंजन है वहाँ पे खुला हुआ। देखिए इस इंजन, इस फोर क्लिप का इंजन खुला हुआ है, वही वो बन चुका है इंजन। अब इसमें डालना है, डाल के इसमें बताएंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, मैं हर प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। ये रहा इंजन जो कि पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है बन के, ठीक है। कि इसका ट्रैफिक सेटिंग कर रहा था, इसका हो गया है। और करते टाइम ध्यान दें इसका पहले एक नंबर का होगा, ठीक है। 1342 इसका फायरिंग ऑर्डर है, तो एक नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 2 नंबर का, ठीक है। और बताएं एक नंबर का कैसे आएगा वाल, इसका 2 नंबर का छोटा वाल जब दबता है तब 1 नंबर का आता है, ठीक है। और जब 1 नंबर का दबता है छोटा वाल तब फिर 3 नंबर का आता है, और 3 नंबर का जब छोटा वाल दबता है तो 4 नंबर का आता है, ठीक है। और 4 नंबर का जब छोटा वाल दबता है तब 2 नंबर का सेटिंग करने के लिए आता है, ठीक है। इस प्रकार से सेटिंग होता है, देखिए बिल्कुल इस प्रकार से देख सकते हैं कितना प्ले है। इसमें छोटा वाला वाल 20 से करें और बड़ा वाला 30 mm से, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, देखिए 3 टन फोर क्लिप का सैमसंग इंजन है, ठीक है। इसका इंजन बना रहे थे, बन गया है, अब फाइनली अब चालू करने को जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बार अभी और चालू करके दिखाता हूँ मैं आपको।
सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, इससे क्या है आपको हर प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी, जो भी नया वीडियो आएगी वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है, लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। और ये देख सकते हैं S4 का इंजन है, 4 क्लिप का 3 टन का, ठीक है, अभी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, और मैं इसको अभी चालू करके दिखाऊंगा, देख लीजिए ये इधर से डीजल का लाइन है, उधर बैटरी है, कनेक्शन दिया हुआ है, देख लीजिए किस प्रकार से है। मैं चालू करके रुको आपको दिखा रहा हूँ, और देखिए देखिए इसका इंजन बनके कंप्लीट हो चुका है, 4 क्लिप का सैमसंग इंजन, और देखिए 4 क्लिप में डलेगा अंदर, और ये देखिए उन लड़के लोग साफ कर रहे हैं इंजन, अंदर से चीज़ें साफ हो रही है किस प्रकार से देख लीजिए, ये देखो मेरे उस्ताद हैं इंजन चढ़ाने के लिए, ये देखो इंजन चढ़ाने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, गाड़ी का इंजन बन चुका है, अब जा रहा है डालने जा रहे हैं, ठीक है, देखिए किस प्रकार से डालते हैं। अरे पानी डाल यार, ऊपर चले क्या?
ऊपर हाँ उस्ताद को दे दो आप देखो अंदर जाना चाहिए ऊपर ऊपर पूरा बस इधर आने बस हाँ डाले अंदर अंदर आने गया थोड़ा गया गया देखिए फोर क्लिप का इंजन डाल लेते हैं अंदर डाल गया है अब इसको टाइट करना बाकी है सब टाइट करना है अभी और देखिए चिंटू टाइट कर रहा है नीचे का राउंडिंग बाकी का और जो भी है वो सब आपको दिखा रहा हूँ बना रहे थे चालू हो चुका है अभी इसमें पोर्टलिप के अंदर भी डल गए हैं अभी ये रवा होगा तो टाइम रवा होकर उसके बाद फिर चलने के लिए जाएगा देख सकते हैं किस प्रकार से इसका आवाज़ है गाड़ी का और इंजन बनते टाइम आपने नहीं देखा होगा या और भी तो जाके अंदर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में उधर सभी वीडियो डाली हुई है देखिए इसकी फायरिंग कितनी अच्छी है गाड़ी अभी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है बस इसमें बोनट डालना रह गया है वो बोनट है गाड़ी रवा हो जाएगी उसके बाद वो बोनट इसका डाल देंगे बस
और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए। इससे क्या है, लेटेस्ट वीडियो आपकी मिलती रहेगी। जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको हर वीडियो मिलता रहेगा।